हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग कैसे करेंगे आप AMT गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतेंगे और कैसे ड्राइविंग करनी है आपको AMT गाड़ी। अगर आप AMT गाड़ी चलाना नहीं जानते तो इस वीडियो को देख के आप आसानी से AMT गाड़ी चलाना जान जाएंगे, सीख जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, AMT गाड़ी यानी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बहुत ही आसान होता है, मैनुअल से भी ज़्यादा आसान होता है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा आपको AMT गाड़ी कैसे चलाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है वैगनर VXI गाड़ी है AMT। अगर आप AMT गाड़ी लेते हैं तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, इसमें गियर लीवर और AMT गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, गियर लीवर के बारे में। तो इसमें जो पोजीशन होती है, अगर आप ड्राइव करते हैं तो अभी ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन में है, लीवर देख ही रहे हैं आप, एन वाली पोजीशन पे है। और मीटर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, MID में इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो देखिए अभी ये न्यूट्रल पोजीशन में है, तो न्यूट्रल पोजीशन शो कर रहा है, यानी हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल पोजीशन में है। और अगर आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है तो न्यूट्रल पोजीशन में ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट करने के लिए क्या करना है आपको, ये ब्रेक पैडल, और एक्सीलेटर पैडल, दो ही पैडल होते हैं इसमें, दो ही पैडल मिलेंगे आपको इसमें, ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल। ये वाला है ब्रेक पैडल, ये और एक डेड पैडल है जो कि यहाँ पे है, इसको डेड पैडल कहते हैं, जो कि आप लेफ्ट वाले लेग को यहाँ रखेंगे ड्राइव करते टाइम, और राइट वाले लेग से ही दोनों को यूज़ करना है आपको, ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल। क्लच पैडल नहीं होता है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, ब्रेक पैडल को प्रेस करना है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। तो देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और आपको स्टार्ट करने के लिए लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में ही रखना है। अगर आप रिवर्स पोजीशन पर रखेंगे या मैनुअल या डी वाली पोजीशन पर रखते हैं तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है ड्राइविंग करने के लिए तो आपको हमेशा न्यूट्रल पोजीशन पे ही गाड़ी को स्टार्ट करना है, वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ब्रेक पेडल को धीरे धीरे छोड़ेंगे और आपकी गाड़ी जो है आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आप। तो अभी मैंने आपको गाड़ी ड्राइव करके नहीं दिखाया है क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही आपको गाड़ी को ड्राइव करना है डी वाली मोड पे, तो आप समझ गए। और मैनुअल ड्राइव करना है आपको, देखिए अगर एम वाली पोजीशन पे ले आना है तो क्या करना होगा आपको, एम वाली पोजीशन जो है ये वाली है, ये यानी मैनुअल ड्राइव करेंगे यहाँ से आप गाड़ी को। तो अभी ये मैनुअल पोजीशन पे है लीवर इसका, और ये मैनुअल पोजीशन पे ही ड्राइव होगी इसकी इस टाइम। तो अगर आपको मैनुअली ड्राइव करना है तो यहाँ से आप मैनुअल ड्राइव भी कर सकते हैं, मैनुअली ड्राइव। और अगर आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना होगा, प्लस वाला जो निशान देख रहे हैं आप उसकी तरफ मूव करना है लीवर को, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो गाड़ी जो है अपनी स्पीड जो है पकड़ने लग जाएगी और गाड़ी जो है गियर चेंज होने लग जाएंगे इसके ऑटोमेटिकली।
यानी अगर आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो प्लस वाली तरफ मूव करेंगे, इस की तरफ गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए। और अगर आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी है तो माइनस की तरफ मूव करेंगे, यानी ऊपर की तरफ ऐसे। तो माइनस वाला मोड देखिए यहाँ पे है, तो इस तरफ मूव करेंगे आप ऊपर की तरफ, अगर आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी है तो। ये मैन्युअली ड्राइव करेंगे यहाँ से आप, और स्पीड बढ़ानी है तो पीछे की तरफ मूव करेंगे। और मैं एक बात और बता दूँ आपको कि आपको जब आप पीछे की तरफ मूव करेंगे, यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो दोनों ही पोजीशन में आपको ब्रेक पेडल पे पैर नहीं रखना है। कहीं आप सोच रहे हो कि ब्रेक पेडल पे पैर रख के उसके बाद हम गाड़ी की स्पीड जो है बढ़ाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ब्रेक पेडल से पैर हटा लेना है, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्लस वाली मूड की तरफ मूव करना है। प्लस वाली की तरफ देखिए, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और कम करनी है तो ऊपर की तरफ। तो ऐसे आप मैनुअल ड्राइव भी कर सकते हैं गाड़ी को। तो दोनों ही मोड मैंने आपको बता दिए, मैनुअली ड्राइव और ऑटोमेटिक ड्राइव भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑटोमेटिक ड्राइव करेंगे, ये डी वाली मोड पे है, यानी ड्राइव मोड पे है, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक ड्राइव करेंगे गाड़ी को। देखिए मीटर में भी दिखा देता हूँ, D1 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक ड्राइव करेंगे, तो इस वाली पोजीशन पे जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, ना ही गियर चेंज करने होते हैं, ना ही लीवर को मूव नहीं करना है, ओनली एक्सीलेटर को प्रेस करना है। सिर्फ एक्सीलेटर को प्रेस करते रहेंगे और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी आपकी। यहाँ से जितना एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे उतनी ही गाड़ी की स्पीड आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, अगर आप इस वाले मोड पर ड्राइव करते हैं, यानी ऑटोमेटिक मोड पर ड्राइव करते हैं उस पोजीशन में। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ से राइट साइड वाली पोजीशन से, और राइट वाली पोजीशन से आप ऑटोमेटिक ड्राइव करेंगे, और लेफ्ट वाली पोजीशन जो है ये वाली, यहाँ से आप मैनुअली ड्राइव करेंगे। तो दोनों ही मोड क्लियर हो जाते हैं, और रिवर्स करने के लिए दोबारा आपको उसी मोड पे ले आना होगा। लेकिन आपको रिवर्स करने के लिए ब्रेक पेडल पे पैर जरूर रखना है, तभी आपको ब्रेक पेडल पे पैर रख के तभी आपको, और रिवर्स पोजीशन पे भी तभी लाएंगे आप गाड़ी को। देखिए रिवर्स मोड पे आ गई, तो आप समझ गए होंगे कि आपको मैनुअल ड्राइव और ऑटोमेटिक ड्राइव कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स, यही था, आप आसानी से समझ ही गए होंगे अगर आपको मैनुअल ड्राइव कैसे करना है और ऑटोमेटिक ड्राइव कैसे करना है। दोनों ही पोजीशन मैंने आपको इसमें बता दी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।